हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कानपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर की मेडिकल कोचिंग में बायोलॉजी टीचर साहिल सिद्दीकी केस में नया मोड़ आ गया है। दरअसल छात्रा ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में उसके साथ हुई किसी भी अश्लीलता से इनकार कर दिया है। छात्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, टीचर साहिल सिद्दीकी मुझे बाथरूम ले गए, उन्होंने गले लगाकर मुझे सहारा दिया, उन्होंने मुझसे कोई अश्लीलता नहीं की थी। मिल रही जानकारी के मुताबिक काकादेव की नामी कोचिंग I&I का रविवार को कोचिंग के बाथरूम का एक CCTV वीडियो सामने आया था। इसमें बायोलॉजी के टीचर साहिल सिद्दीकी एक छात्रा के साथ नजर आ रहे थे। इस CCTV वीडियो के आधार पर कोचिंग संचालक आशीष श्रीवास्तव ने यह CCTV पुलिस को देते हुए टीचर साहिल सिद्दीकी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। कोचिंग संचालक ने आरोप लगाए थे कि शिक्षक साहिल सिद्दीकी हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है, उसने छात्रा के साथ अश्लीलता की और वो कोचिंग में लव जिहाद कर रहा है। इन आरोपों के बाद काकादेव पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपी शिक्षक साहिल को जेल भेज दिया था, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जो छात्रा ने बयान दिए उससे केस बदल गया। छात्रा ने कहा कि उसे उल्टियां हो रही थी, उसने ये भी कहा कि उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं हुई। वहीं इस मामले में आरोपी टीचर साहिल सिद्दीकी ने पुलिस को बताया था कि कोचिंग संचालक मुझे CCTV दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था, अब उसने केस दर्ज करा दिया है। इसके पीछे की वजह यह है कि मैं कोचिंग में 97 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर पढ़ाता हूं, लेकिन कोचिंग संचालक 30 लाख रुपए ही देना चाहता है। इस वजह से विवाद हुआ और मेरे खिलाफ उसने केस दर्ज करा दिया। मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे ऊपर लगे आरोप गलत है। छात्रा के बयान और टीचर के आरोपों के बाद अब पुलिस कोचिंग संचालक से पूछताछ कर सकती है। सिद्दीकी ने अपने सैलरी पैकेज को लेकर जो आरोप लगाए हैं उसमें क्या कुछ विवाद है, इसकी भी जांच की जा रही है। वही पुलिस ये भी जांच करेगी कि आखिर ये CCTV किस दिन का है, क्योंकि कोचिंग संचालक कहना है कि उस दिन छुट्टी थी, ऐसे में छात्रा छुट्टी के दिन कोचिंग करने क्या गई थी, इसकी भी पुलिस जांच करेगी। संवाददाता लक्ष्मीचंद दीक्षित की रिपोर्ट, कानपुर, यू न्यूज UP। आज अच्छी बात के लिए नहीं आया हूं, आज एक बुरी खबर है आप सभी लोगों के लिए, काकादेव कोचिंग मंडी के लिए भी एक बहुत शर्मनाक बात है। आज जो है मेरे पास 2 दिन पहले एक पेन ड्राइव आई, मेरे स्टाफ को कोई दे गया और कहा आशीष सर को देना, वो पेन ड्राइव देखें। उनके यहाँ का एक टीचर बायोलॉजी शिक्षक जिसका नाम साहिल सिद्दीकी है, उसकी ये वीडियो है। मैंने उस पेन ड्राइव को देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। उस वीडियो में साहिल सिद्दीकी कोचिंग की एक छात्रा के साथ कोचिंग परिसर के अंदर क्लास बंद हो जाने के बाद गलत कार्य कर रहा था, और जो बहुत ही शर्मनाक हरकत थी, एक छात्रा के साथ, छात्रा तो बेटी के समान होती है, उसके साथ गलत हरकत करता हुआ, और इतनी गलत हरकत। और फिर मुझे एक साहिल सिद्दीकी का कुछ दिन पहले एक वीडियो और वायरल हुआ था, लेकिन उसमें शायद ये नहीं थे कि थे मुझे पता नहीं है, लेकिन वायरल हुआ था, उस पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया था। फिर से वही हरकत हुई है, उस समय भी मना किया गया था कि साहिल सिद्दीकी अपनी कोई भी हरकत इस तरीके की कभी ना करें, लेकिन फिर से इन्होंने वही इतनी घिनौनी हरकत करी जिसकी वजह से मुझे इनको I&I से निकालना पड़ रहा है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को अपने यहाँ नहीं रखूंगा जिससे मुझे खतरा लगे कि मेरे यहाँ जो बच्चियां पढ़ने आती हैं उनको खतरा हो जाए, उनकी इज्जत को खतरा हो जाए। वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अकल नहीं है, उनको आप बहला फुसला लेता ही है, इस तरीके की बात करता है। और उसने बहला फुसला के उस बच्ची के साथ गलत कार्य किया है कोचिंग में, तो ये बहुत ही शर्मनाक, जिसकी वजह से मैं इसको तुरंत अपनी कोचिंग से I&I से निकाल रहा हूं। I&I से कोई लेना देना नहीं है साहिल सिद्दीकी का आज के बाद। थैंक यू।